हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आलू से बनने वाला क्रंची स्नैक्स, जो बनने के बाद बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची स्नैक्स बनकर तैयार होता है। अगर आलू उबले हुए हैं तो इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट का भी समय नहीं लगता है। तो चलिए इसे फटाफट से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन लिया है और उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल लिया है। तो यहाँ पे ऑयल जो है ना बहुत अच्छे से हीट हो चुका है। तो मैंने 1/4 चम्मच जीरा डालकर यहाँ पे तड़का लगाया है। तो यहाँ पे जीरा जो है अच्छे से चटक चुका है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटे से प्याज को बारीक चॉप करके यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे हमें प्याज को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जो प्याज है हल्का सुनहरे कलर पे आ चुका है। तो यहाँ पे ही मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची को कट करके डाला है। तो इसी भी प्याज के साथ हम हल्का फ्राई कर लेंगे मिर्ची को। तो इसके बाद मैंने एक छोटे से गाजर को बारीक चॉप करके यहाँ पे लिया है। 2 से 3 चम्मच शिमला मिर्च को मैंने बारीक चॉप करके लिया है। तो यहाँ पे शिमला मिर्च और गाजर को भी प्याज और हरी मिर्ची के साथ थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और ज्यादा यहाँ पे हमें कुक नहीं करना है, इसे सिर्फ 1 या 2 मिनट ही हम कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 उबले हुए आलू को लिया है और इसे हमें यहाँ पे मैश करके इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे आलू को भी इसी तरह से मैश करके डाल दिया है। तो यहाँ पे आलू को मैश करने के बाद सब्जियों में हमें मिला देना है आलू को। और जब सब्जियों में आलू अच्छे से मिल जाए तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ मसालों को ऐड किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और उसके बाद 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, नहीं है तो नींबू भी डाल सकते हैं इसके जगह पे, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, इसके जगह पे आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही आलू में सारे मसालों को यहाँ पे हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं आलू में जो मसाले हैं बहुत अच्छे से मिल चुके हैं। तो यहाँ पे ही गैस का फ्लेम अब हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और जब ये ठंडी हो जाए तो उसके बाद हम स्नैक्स के लिए एक एक कर बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने एक एक कर सारे बॉल बना के यहाँ पे तैयार कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप मैदा लिया है, इसके जगह पे आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाकर तैयार करना है। पहले हम यहाँ पे पानी थोड़ा डालेंगे और इसका पेस्ट बनाकर हम तैयार करेंगे। और जब इसका स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो उसमें और थोड़ा सा पानी डालकर घोल की तरह तैयार कर लेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और जो इसका घोल बनाकर हम तैयार करेंगे वो इसी तरह का होना चाहिए, ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा मोटा। तो यहाँ पे हमारा जो घोल है बनकर तैयार हो चुका है। तो बनाए हुए बॉल को इसी में हम डाल देंगे और इसे चारों तरफ से अच्छे से डिप कर लेंगे। और स्नैक्स को क्रंची बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिप्स लिया है, आप इसके जगह पे कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं। और चिप्स को मैंने ग्राइंडर जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स भी नहीं है तो आप इसकी जगह पे सेवैया ले सकते हैं, और वो भी अगर आपके पास नहीं है ब्रेड को ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। डीप किए हुए आलू के बॉल को ग्राइंड किए हुए चिप्स में चारों तरफ से अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे। और यहाँ पे आलू के स्नैक्स की कोटिंग बहुत ही अच्छे से हुई है। तो इसी तरह से हमें सारे बॉल को कोटिंग कर लेना है। तो सारे आलू की बॉल की कोटिंग मैंने यहाँ पे कर भी दी है। तो यहाँ पे मैंने स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ऑयल लिया है और यहाँ पे ऑयल को हमें एकदम हाई फ्लेम पे पूरा हीट कर लेना है। और जब ऑयल अच्छे से हीट हो जाए तो बनाए हुए सारे स्नैक्स को हम ऑयल में डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पे हमारे जो सारे स्नैक्स है एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इसे पलट लेंगे। और यहाँ पे पलटने के बाद गैस का फ्लेम जो है मीडियम कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे आलू स्नैक्स है एकदम दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इनका कलर भी है एकदम गोल्डन कलर पे आ चुका है। तो सारे स्नैक्स को हम बाहर निकालकर सर्व करेंगे और इसे चटनी के साथ लें या सॉस के साथ लें, ये किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही मजे की लगती है। यहाँ तक कि आप शाम के नाश्ते में चाय के साथ भी इसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।